वैसे तो लंच का टाइम है, भूख लगी होगी, लेकिन अगर खाना खाते समय कुछ दोस्त मिल जाएं और उनके साथ मस्ती करते करते खाने का मौका मिले तो कितना मज़ा आएगा, है ना? ऐसा ही मज़ा लूटा है 3 सितारों ने, और क्या मज़ेदार वक्त बिताया उन लोगों ने। भाई ये वक्त अगर हम आपके साथ नहीं शेयर करेंगे तो और किसके साथ शेयर करेंगे? देखिए नागिन और उसके दो दोस्त, कैसी चमकी है उनकी किस्मत। क्या हुआ जब मिल बैठे तीन यार, कैसी गुफ्तगू हुई और क्या क्या बातें हुई, साथ में ढेर सारा खाना पीना भी हुआ। जी हाँ, सास बहू साजिश के साथ एक्सक्लूसिवली लंच की झलक देख लीजिए। जब दोस्तों को शूटिंग के दौरान वक्त मिलता है तो वो कैसे एक दूसरे से मिलते हैं और कैसे खाना खाते खाते प्यार भरी गुफ्तगू होती है। मैं अपने भाई को बहुत मिस कर रहा हूँ यार, और मैं कसम से कह रहा हूँ आज मैं बहुत इमोशनल पोस्ट डालने वाला था सुबह उठ के। ये देख, मैं ये वाली पोस्ट डालने वाला था। I was about to post this picture. Wow, how sweet. ये picture देख। So मैंने कहा अभी इनके लिए दोबारा कर देता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, इतना इमोशनल नहीं होना, उसका नया काम है। एंड सी मुझे टाइम मिला और हम लोग आसपास ही शूट कर रहे हैं, क्लिक और SG ज़्यादा दूरी नहीं है। सो मैंने कहा चल लेट्स गो एंड मीट ऑल द फ्रेंड्स, लेट्स गो एंड हैव लंच विद देम। तो हम ऐसा भी कभी भी ये नहीं होता कि ओके जस्ट एक दूसरे के साथ हैं तो ऐसा बिहेव करना, ऐसा कुछ नहीं। इट्स वेरी नेचुरल। हमारा जो मेरा जब प्रेम बंधन आया, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु पोस्टेड इट फॉर मी एंड आई वॉज इन टू टीयर्स। आई वॉज इन टू टीयर्स दैट दिस गाय पोस्टेड इट फॉर मी। आई मीन आई फेल्ट सो गुड दैट वी आर नॉट एक्टर्स, आई अर्न्ड माई ब्रदर फॉर लाइफ। Your brother for life, you know. लड़कियाँ सोच रही हैं अभी। That's so very sweet of him. He's always with very kind with words. मेरे हमेशा बहुत encouraging रहा है। और मैं आज कैमरा पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझे बाल बनाने नहीं आते थे। He taught me how to actually make hairstyle. मुझे नहीं आते थे बनाने के लिए, इसने मुझे बोला कि तू अच्छा दिखता है तो बाल अच्छे से बना। He was the first person who taught me how to make a hairstyle. साजिश के साथ जो ये तीन दोस्त मिले हैं वो कोई और नहीं बल्कि धीरज, सुरभि और मनीत है। मनीत से खैर मैं क्लिक में मिलती रहती हूँ, बिकॉज ही इज कमिंग अप, हिज शो इज कमिंग एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग। प्रेम बंधन इट्स कॉल्ड, एंड आई थिंक ही इज अ वेरी गुड लुकर। एंड सबसे स्पेशल गेस्ट तो आज मेरे साथ दीदी हैं। दीदी, एंड आई मस्ट टेल यू, थोड़ा सा धीरज के पास टाइम था तो बेचारा SJ से मुझसे मिलने के लिए आया। मैंने इसको थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल किया था कि तू मुझसे अब प्यार नहीं करता है, मुझे मिलने नहीं आया था, इसलिए मुझे मिलने के लिए आया। थैंक यू। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं, इन दोनों ने बोल दिया। मैंने मम्मी को फट फ़ोन किया, मैंने कहा कि धीरज आ रहे हैं और डोसे आ रहे हैं घर से विद चटनी, क्योंकि वो भी ज़्यादा डाइट वाइट पर ही है मुझे मालूम है। एंड आई थिंक मान्यता आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट टू जॉइन फॉर लंच। के पास बैठ के थोड़ा ज्ञान ले रहा हूँ। मैं सुरभि को पहले भी मिला हूँ और मैंने भाई को इमोशनल किया था। मैंने बोला कि तू मुझसे मिलने नहीं आता, तू मुझसे प्यार नहीं करता। वो बोलता है ऐसी बात है तो रेक में आ रहा हूँ। बोलते मुझे, उसने पहले ही मुझे बोला था कि मैं आके तेरे को सरप्राइज करूँगा, तैयार रहना। वो आ गया तो जैसे ही वो आया उसने मुझे देखा नहीं, मेरे बिजनेस को हक कर लिया। आज बेसिकली ये अभी मैं मनित और दोनों दीदी को खिलाऊंगी गोभी के पराठे, इसको एज अ रैप बनाऊंगी जिसमें अचार डलेगा। हाँ, प्लीज डालो। और या मिर्ची डालूंगी इनके लिए, अगर आपको मिर्ची चाहिए। ये भी हाँ। मिर्ची सब मिक्स कर दो। सो ये ऐसे डलेगी, लहसुन भी और लहसुन भी डालो। नहीं ये चटनी, ये वाली अचार मजा आएगा। हाँ। गोभी का पराठे के साथ लहसुन। हाँ लहसुन डालो। पूरी रेसिपी तैयार। हाँ पूरी रेसिपी तैयार है।
हाँ जी, ओ माय गॉड, अब इसका ये रोल बनेगा और मुझे लगता है बहुत ज्यादा अचार है, बट ठीक है, ये गोभी का देसी घी का पराठा है, आपके लिए बनाऊं मैं, आप मन्नत के लिए। सो घर से एक्चुअली डोसे आए हैं और व्हाट डू यू वांट, यू वांट सम अचार इन दिस, दिस चटनी, दिस कस्टमाइज्ड पराठा। हां, ये कस्टमाइज्ड पराठा, ये कस्टमाइज्ड पराठा है। गोभी के पराठे आए हैं, डोसे आए हैं, सम सैलड, एंड मुझे ऐसा लग रहा है खाना थोड़ा कम पड़ सकता है। नहीं, आपका प्यार इसमें जो मिला हुआ है वो काफी स्टफ है। मैंने डाइट पे है, दीदी और मैं डाइट का मतलब नहीं जानते। हम लोग सब खाते हैं बिंदास, एंड सम जीरा आलू आए हैं घर से, स्प्राउट्स आए हैं, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल हेल्दी फूड। यू नो, जब मैं यहाँ पे शूट कर रहा था ना नागिन, हम लोग डेली लंच शेयर करते थे हम। ओके, और ये हमेशा मुझे कहती थी हम दोनों मोटे हो जाएंगे, हम दोनों मोटे, मोटा चीलो मोटी नागिन। सही बात है, सही बात है। सो फिट, वी ऑल आर फूडीज, वी लव फूड, हमें खाना बहुत पसंद है, वी बॉन्ड ओवर फूड। ऐसा होता है कि नहीं खाना नहीं खाना, लेकिन खाते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन कम खाते हैं, कम क्वांटिटीज में, ताकि वी हैव टू मेंटेन आवरसेल्फ, लेकिन खाता, मैं तो सब कुछ खाता हूँ, ये भी मैंने देखा है, सब कुछ खाता है, शी तो ये मेरे हाथ से छीन के खाती है, मैं सब खाती हूँ। बट आई थिंक द शो इज सो, यू नो, इट्स सो टैक्सिंग टू बी ऑन द शो, अपने आप निकल जाता है। आई थिंक वो अपने आप निकल जाता है, मतलब इसने भी पराठा खाया, भी ये जाके हार्नेस पे लटकेंगी और सब खत्म, इट्स ओवर। अभी भी आप देखेंगे तीनों दोनों बातें कर रहे हैं और मैं खा रही हूँ। इमेजिन, मैं खाती हूँ भाई, मतलब आई एंजॉय, but it's so nice, today is amazing to have khana, it's like unwinding। अब मनीत और धीरज का साथ उठना बैठना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि मनीत अब कुंडली भाग्य में कभी कभार ही नजर आते हैं, और जब बालाजी स्टूडियोज पहुंच ही गए हैं तो वहां पर ढेर सारे सीरियल्स की शूट एक साथ होती है, तो धीरज ने मनीत के साथ साथ अपने बाकी दोस्तों से भी मिलने की कोशिश की, कोई मिले ना मिले ये तीन यार जो मिल गए, और फिर क्या शुरू हुआ मस्ती और बातों का सिलसिला। हाँ यार, बिल्कुल, मैंने उसको बोला था मैं आ रहा हूँ लंच पे, आ रहा हूँ, लेकिन क्लिक में क्या, क्लिक में क्या होता है, सब लोग मिल जाते हैं, यू नो, इट्स मैं भी, हम लोग का सेट भी पहले क्लिक में था कुंडली भाग्य का, लेकिन we miss being in click। आज मौका मंदिर है, आज आप यहाँ जो, तो आप पूरा बालाजी आप मिल लेते हो, पूरी टीम से मिल लेते हो, विच इज सच अ गुड थिंग। पहली मुलाकात हमारी नागिन के सेट पे हुई थी, नहीं हुई, पहली मुलाकात हमारी कहीं किसी रेस्टोरेंट में हुई थी तब, लेकिन बेसिकली एक मीटिंग के लिए गए थे, मीटिंग क्या, इट वॉज लाइक अ गेट टुगेदर फॉर इंस्टाग्राम, और वहाँ पे मैं पहली बार दीदी से मिली, विनी से मिली, और उसके बाद ऑफ कोर्स वी फॉलोड ईच अदर, बट एक्चुअली प्रॉपरली हम लोग ने स्टार्ट अपनी दोस्ती नागिन से की है। मैंने बोला, मैंने इसको पूछा कुंडली के सेट पे, हम लोग साथ में शूटिंग करते, मैंने बोला हाउ वाज इट शूटिंग फॉर नागिन, ही सेड के सुरभि इज टेरिफिक, शी इज लुकिंग गॉर्जियस, शी इज सच अ ग्रेट पर्सन, आई थिंक फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, एंड दैट्स व्हाट, राइट, यस, आई थिंक उसके बाद हमारे यार इतनी अच्छी तरीके से दोस्ती हो गई है कि अब मतलब देयर इज, आई डोंट वांट, मैं उसके बारे में ज्यादा बात करूंगी ना नजर लग रही है, मैं ये सब पे बहुत मानती हूँ, हाँ, ऐसे वो थूकों पे और ये सब पे बहुत मानती हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं करती, बट जो मेरा और दीदी का बॉन्ड है वो हम दोनों ही जानते हैं कैसे। तो कुछ ऐसा रहा लंच विद सुरभि, धीरज और मनीत। हम उम्मीद करते हैं आपके फेवरेट स्टार्स के पर्दे के पीछे के कुछ ऐसे ही नज़ारे हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।